इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन एक्सिस ऑफ चार्ज सर्कुलर आर्क। अब हमने ई अब तक क्या शुरू किया था, पॉइंट चार्ज, फिर हमने ई किसका निकाला, रिंग, फिर हमने ई किसका निकाला, डिस्क, अब हम ई किसका निकालेंगे, आर्क का। तो अगर ये चार्ज्ड आर्क है, ये रही आर्क, आर्क एक लाइन चार्ज है एंड चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर दी लेंथ, ठीक है, चार्ज जो है लेंथ वाइज डिस्ट्रीब्यूटेड है और इसकी डेंसिटी क्या गिवन है, लैम्डा, ठीक है, इसकी डेंसिटी लैम्डा गिवन है। आपको इसके एक्सिस पे यहाँ पे ई निकालना है, जहाँ ई निकालना है प्लस वन। अब मैंने जानबूझ के ऐसी फिगर ली है जिसमें सिमेट्रिकल नहीं है, नीचे का एंगल लिया थीटा वन, ऊपर का एंगल लिया थीटा टू और रेडियस आर का आर है। अब अगर आप सोचें कि ये क्वेश्चन कैसे करना है, तो मैंने प्रूफ आपको दिखाने के लिए किया हुआ है, पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है प्रूफ की। मैं आपको एक फॉर्मूला करवाऊंगा, एक सेकंड में आंसर आएगा, एनसीईआरटी का प्रूफ आएगा नहीं, तो डेरिवेशन करने का मतलब नहीं, कॉम्पिटिशन के अंदर फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आएगा, तो फॉर्मूला लिखवाने जा रहा हूँ। लेकिन फिर भी कई लोगों को अच्छा नहीं लगता कि एक बार बताना उनको पसंद है कि कैसे हुआ। दो लाइन में समझाता हूँ, ये आर्क है, आप एक एलिमेंट लें, इस एलिमेंट का कॉन्ट्रीब्यूशन यहाँ पर लें डी ई, प्लस वन रखें, स्मॉल चार्ज डी क्यू लें, स्मॉल लेंथ डी एल लें और ये से रिपेल करेगा तो डी ई, थीटा थीटा, ये एलिमेंट आपने थीटा एंगल पे लिया, डी ई के तो कॉम्पोनेंट्स होंगे डी ई कॉस और डी ई साइन, तो इसका एक्स कॉम्पोनेंट डी ई कॉस थीटा है, इसका वाई कॉम्पोनेंट डी ई साइन थीटा है। टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए इस कॉम्पोनेंट को इंटीग्रेट करेंगे तो एक्स एक्सिस का इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा और इसको इंटीग्रेट करेंगे तो वाई का आ जाएगा। तो चलो एक्स से शुरू करते हैं, तो एक्स कॉम्पोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड में इंटीग्रेशन डी ई कॉस थीटा, डी ई की वैल्यू स्मॉल एलिमेंट के लिए 1/4πε0 डी क्यू डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर इंटू कॉस थीटा। डी क्यू की वैल्यू क्या होगी, क्योंकि चार्ज लेंथ वाइज डिस्ट्रीब्यूटेड है लैम्डा। अब मुझे डी क्यू चार्ज कितनी लेंथ पे गिवन है, डी एल, तो एक काम करते हैं डी क्यू की जगह क्या पुट करते हैं, लैम्डा इंटू डी एल, तो लैम्डा इंटू डी एल क्या है, डी क्यू। मैंने बताया था लैम्डा को लेंथ से मल्टीप्लाई करेंगे तो चार्ज आ जाएगा। और यहाँ पे ये जो आर्क देख रहे हैं डी थीटा, एंगल इज आर्क डी एल बाय रेडियस, इस सेक्टर में एंगल इज आर्क बाय रेडियस, तो यहाँ से डी एल की वैल्यू आर डी थीटा को उठा के यहाँ पे पुट करते हुए डी एल की जगह ये आंसर आएगा। करना नहीं है कुछ भी, सिर्फ उन लोगों के लिए जो देखना चाहते हैं कैसा हुआ। अब इसकी लिमिट्स पुट करेंगे एंगल की, इस लाइन के नीचे का एंगल मान लो थीटा वन है ये रहा, और इस लाइन के ऊपर का एंगल थीटा टू है। तो याद रखना, अगर इस लाइन के नीचे के एंगल की लिमिट पुट करनी है तो माइनस थीटा वन, और इस लाइन के ऊपर की अगर लिमिट पुट करनी है तो प्लस थीटा टू। तो आपने क्या करना है, लिमिट में लाइन के नीचे की लिमिट माइनस थीटा वन से प्लस थीटा टू, अगर हम इसे इंटीग्रेट करें, जो कि हमने करना नहीं है, हमारे पास ये फॉर्मूला आएगा। आपने क्या करना है, सिर्फ फॉर्मूला याद करना है। तो बनाएं ये फिगर, ये पहली फिगर बनाएं। और एक और चीज, इसमें अभी आधा आंसर आया है ई एक्स, सिमिलरली क्या करना है ई वाई। अब ई वाई के लिए, वाई कॉम्पोनेंट के लिए, वाई कॉम्पोनेंट को बिल्कुल वैसे इंटीग्रेट करें, सेम लिमिट लगाएं, तो ये वाई कॉम्पोनेंट भी आएगा। लेकिन आपको पेपर में क्या आएगा, ई एक्स और ई वाई थोड़ी ना आएगा, नेट ई बताओ क्या होगा। तो नेट ई में अंडर रूट ऑफ ई एक्स स्क्वायर प्लस ई वाई स्क्वायर। ऊपर जो किया कुछ नहीं करना, फॉर्मूला बुकलेट में ये फिगर बनाएं, थीटा वन थीटा टू एंगल गिवन होगा, ई एक्स की वैल्यू पूछेगा तो ये फॉर्मूला, ई वाई की वैल्यू पूछेगा तो सीधा ये फॉर्मूला, लैम्डा पेपर में गिवन होगा, और अगर बाई चांस नेट ई पूछ लिया तो वेक्टर सम लगा देना, बात खत्म। तो ये फॉर्मूला नोट कर ले बस, ऊपर जो प्रूफ किया उसकी जरूरत नहीं है अपने को।
क्लियर? क्या ये पॉइंट सबको क्लियर है? ठीक है, इसमें स्पेशल केस है, अगर ये आर्क सेमी सर्कल हो और यहां पे ई निकालना हो तो बोलो थीटा, इस लाइन के ऊपर और नीचे थीटा वन थीटा टू एंगल की वैल्यू क्या होगी? 90 एंड 90, मतलब ऑब्जेक्टिव आ गया और आपको ये सेमी सर्कल दे दिया और आपसे ई पूछ लिया, तो ई एक्स क्या बनेगा? ई एक्स में 90 90, ये ई एक्स आएगा, और ऐसी ई वाई क्या बनेगा? 90 90 कैंसिल होकर आंसर क्या जाएगा? 0। मेरे हिसाब से इसको रिमेंबर करने की जरूरत नहीं है, आर का फॉर्मूला याद है तो स्पेशल केस थीटा वन थीटा टू 90 पुट करके तो आंसर निकल ही जाएगा, स्पेशल याद करने की जरूरत नहीं है मेरे को लगता है। क्लियर है यहाँ तक? तो ये पॉइंट समझ में आ रहा है। नेक्स्ट है स्पेशल केस है, अगर आर्क क्वार्टर ऑफ अ सर्कल है, 1/4 ऑफ अ सर्कल है, समझ लो पहले ये आर्क है, इसमें टोटल एंगल 90 है, तो थीटा वन थीटा टू क्या बना? 45 45, तो ई एक्स ई वाई में थीटा वन थीटा टू क्या पुट करेंगे? 45 45, तो इसमें ई एक्स की वैल्यू 45 45 पुट करके ये आंसर आएगा, और ऐसी 45 45 पुट करके ई वाई 0 आएगा, और नेट आंसर में ई वाई तो 0 है, नेट आंसर भी यही आएगा क्योंकि ई वाई की वैल्यू इसमें 0 आएगी। तो मेरा कहने का मतलब कि इसका जो नेट आंसर आएगा उसमें मैंने जैसे एक्सप्लेन किया हुआ है कि अगर मैं बाई सिमेट्री एक एलिमेंट यहाँ लूँ, एक एलिमेंट यहाँ लूँ और यहाँ प्लस वन लूँ जहाँ मुझे ई निकालना है, तो ये एलिमेंट इसे रिपेल करेगा, ये इसे रिपेल करेगा, इसके कॉम्पोनेंट्स बनेंगे, इनके दो कॉम्पोनेंट आपस में कैंसिल हो जाएंगे और नेट कॉम्पोनेंट इधर चला जाएगा, नेट ई इस तरफ जाएगा। इस बात को एक्सप्लेन सिंपल करने के लिए मैंने ये समझा दिया, अगर फिगर सिमेट्रिकल है तो नेट ई बिल्कुल सेंट्रल लाइन के साथ जाएगा। तो अब आपने नोट क्या करना है, आपने ये नोट करना है कि अगर आर क्वार्टर सर्कुलर रिंग है, ये डायग्राम नोट करें और स्पेशली ये जरूर नोट करें कि नेट ई इस तरफ जाता है, नेट ई सेंट्रल लाइन के अलोंग जाता है। उसकी एक्सप्लेनेशन में देने की वहां से कोशिश की है, पर अगर वो नहीं समझ में आती कोई टेंशन नहीं है, कम से कम ये डायग्राम तो समझ में आता है, और नेट ई की वैल्यू नोट कर लें, यही नेट ई की वैल्यू है, ये फॉर्मूला साथ में नोट कर लें। पेपर में ज़्यादातर क्वार्टर ऑफ अ सर्कल पे ही क्वेश्चन आता है, इस पे आता है, तो इसका डायरेक्ट फॉर्मूला याद करें, 1/4 pi epsilon naught √2λr, और अगर याद नहीं करना चाहते तो आर्क में पुट कर दें 45 45, आंसर आ जाएगा। तो क्या ये पॉइंट क्लियर है यहाँ तक? ये भी फॉर्मूला क्लियर है? ऊपर ये क्वेश्चन आया हुआ है, आपको बुक्स में दिखेंगे ऐसे क्वेश्चन बहुत दिखेंगे, सपोज ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, इसकी डेंसिटी -2λ है क्योंकि नेगेटिव चार्ज है, 2λ है, -λ है, λ है, यहाँ पे सेंटर पे ई निकालना है, और अगर ई निकालना है तो कैसे बनेंगे वेक्टर्स? वेक्टर्स ऐसे बनेंगे, ये पॉजिटिव इसको सेंट्रल लाइन के अलोंग क्या करेगा? रिपेल। फॉर्मूला आपको भी मैंने लिखवा दिया कि ये कोऑर्डिनेट क्या करेगा, फिर ये नेगेटिव इसे क्या करेगा? अट्रैक्ट। ये नेगेटिव इसे क्या करेगा? अट्रैक्ट। वो पॉजिटिव इसे क्या करेगा?
रिपेल, चार वेक्टर आएंगे, चारों का वेक्टर सम आपका आंसर होगा। तो लॉजिक समझ में आ रहा है कैसे करना है? तो इसमें ट्राई कर सकते हो, ये चार वेक्टर्स की वैल्यू लिखो जरा क्या आएगी। मैंने क्वाड्रेंट की ई की वैल्यू निकालनी आपको सिखा दी है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट √2λ/r। जहाँ लैम्डा वहाँ लैम्डा पुट करना, जहाँ 2λ वहाँ 2λ पुट करना। तो आइडिया होगा आएगा इसमें। हालांकि मैंने डायग्राम बना भी रखा है इसमें, ये देखो ये देखो, ये मैंने +1 रखा, ये प्लस इस +1 को रिपेल करेगा। क्या फॉर्मूला करवाया था, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट √2λ/r, ये 2λ इसे रिपेल करेगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट √2 × 2λ/r, या 2λ आएगा। ये नेगेटिव लैम्डा इसे अट्रैक्ट करेगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट √2λ/r, और ये −2λ अट्रैक्ट करेगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट √2 × 2λ/r। तो ये फॉर्मूला लगा के चार वेक्टर्स आ जाएंगे, चारों वेक्टर्स आप इसमें 90 डिग्री पे होंगे। एनसीईआरटी के लिए नहीं आई ये टॉपिक जो हम कर रहे हैं, एनसीईआरटी में कुछ नहीं आएगा अब तक जो मैंने करवाया। इसमें चार वेक्टर्स हैं, चार वेक्टर्स में ये दो वेक्टर्स में से ये बड़ा है ये छोटा है, इन दोनों को माइनस करके नया वेक्टर ऊपर आ गया, इन में से ये बड़ा है ये छोटा है, तो नेट वेक्टर इस तरफ आ गया। इन दोनों का वेक्टर सम, इन दोनों का वेक्टर सम यहाँ से सॉल्व करके आंसर आ गया। तो ये ऑब्जेक्टिव के अंदर आपको मार्क करना है, मतलब अगर आपको फॉर्मूलाज और उसकी एप्लीकेशन आती है, फॉर्मूलाज कैसे अप्लाई करने हैं, तो नेट वेक्टर आप वेक्टर सम से निकाल सकते हैं। क्या ये पॉइंट समझ में आ रहा है सबको? रिपीट, ये डायग्राम समझ में आया, ये पॉजिटिव इसे रिपेल कर रहा है, ये पॉजिटिव रिपेल कर रहा है, ये नेगेटिव अट्रैक्ट, ये नेगेटिव अट्रैक्ट, चार वेक्टर ये बन गए, ये वाली वैल्यू इससे बड़ी है तो इसमें से इसे माइनस करके ये नहीं आ गया, ये वाली वैल्यू इससे बड़ी है इसमें से इसे माइनस करके ये आ गया, फिर पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से एंगल 90 है तो आंसर आ गया ऐसे।